रात की चांदनी में एक छोटे से गांव की कहानी है जहां प्रतिदिन के बादल अद्भुत रहते थे। गांव के छोटे बच्चे राजू रोज रात को चांद से बातें करता था। एक रात राजू ने चांद से कहा, आपकी रोशनी बहुत ही सुंदर है चांद जी, कैसे बनती है ऐसी खूबसूरती? चांद ने हंसते हुए कहा, राजू हर रात जब मैं स्वर्ग से नीचे आता हूँ, मैं सभी प्राकृतिक ताकतों को साथ लाता हूँ। मेरी रोशनी में वह ताकत है जो सबको जीवन की राह दिखा सकती है। राजू ने उत्साहित होकर कहा, क्या मुझे भी वह ताकत मिल सकती है? चांद ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राजू, तुम्हें वह ताकत मिल सकती है अगर तुम एक मैजिकल पाठशाला में जाओगे। वहाँ एक खास ताकत है जो हर किसी को नहीं मिलती। राजू ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, कहिए ना, वह मैजिकल पाठशाला कहाँ है? चांद ने उच्च आवाज में कहा, वह पाठशाला हर रात एक विशेष पौध में खुलती है। तुम्हें उस पौध को ढूंढना होगा और तुम्हें वहां पहुंचने के लिए एक सवारी की आवश्यकता होगी। राजू ने उत्सुकता से कहा, मैं वह पौध ढूंढकर उस पाठशाला में जाने के लिए तैयार हूँ। राजू ने गांव के सभी बच्चों को बताया और सभी ने मिलकर राजू को सवारी के लिए मदद करने का निर्णय किया। उन्होंने एक जादुई सवारी तैयार की जो पौध की ओर ले जाएगी। राजू ने सवारी पर सवार होते हुए कहा, चलो हमें वह पौधा ढूंढना है। सवारी ने राजू को एक जंगल में ले गया जहां वह पौधा मिला। पौधे की खिलती हुई पत्तियां अद्वितीय रूप से चमक रही थीं। राजू ने हृदय से कहा, यह है वह पौध, अब मैं मैजिकल पाठशाला में जा सकता हूँ। पौधे ने खुलते हुए राजू को एक नए लोक में ले जाया जहां एक प्राचीन भव्य स्कूल था। वहां पहुंचकर राजू ने देखा कि सभी बच्चे जादुई शक्तियों को सीख रहे थे। प्रमुख गुरु ने कहा, राजू तुमने हमारी जड़ों से आई हुई हो, इसलिए तुम्हें यहाँ आने का अधिकार है। अब तुम भी हमारे साथ इन जादुई शक्तियों का सीखना शुरू कर सकते हो। राजू ने हर दिन मेहनत की और जादुई शक्तियों का सीखना शुरू किया। वह जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी के तत्वों को नियंत्रित करने का कला सीखा। एक दिन गुरु ने कहा, राजू तुमने अब तक सब कुछ सीख लिया है, अब तुम्हें आता है कि इस जादुई सवारी को वापस गांव ले जाओ और अपने दोस्तों को इसी ताकत से संपन्न करो। राजू ने हंसते हुए कहा, जी गुरुजी, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा और अपने दोस्तों को इस नई शक्ति से आशीर्वाद दूंगा। राजू ने जादुई सवारी को बुलाया और गुरु की आशीर्वाद के साथ गांव की ओर रुख किया। गांव में वापस आने पर राजू ने दोस्तों को बुलाया, आओ दोस्तों, मैंने एक जादुई शक्ति सीखी है जो हमें और हमारे गाँव को सुख और समृद्धि प्रदान कर सकती है। वे सभी दोस्त उत्सुकता से राजू की बातों को सुन रहे थे। राजू ने अपनी जादुई शक्ति का प्रदर्शन करते हुए कहा, यह शक्ति हर किसी को सिर्फ इसलिए नहीं मिलती जो उसे सही तरीके से इसका उपयोग कर सकता है। हमें इसे सावधानी से और उचित तरीके से इस्तेमाल करना होगा। एक दोस्त ने पूछा, राजू हमें भी यह शक्ति सीखनी है। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे सीखो और सबका भला करो। इसके बाद सभी दोस्तों ने जादुई शक्तियों का सीखना शुरू किया और गाँव में खुशियों की बौछार मच गई। गांव में हर किसी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हुआ और सभी ने इस नई जादुई शक्ति का सही तरीके से उपयोग किया। फिर एक दिन गांव में एक बड़ा संघर्ष हुआ। एक राक्षस ने गांव को हमला किया और सभी को खत्म करने का आतंक बना लिया, लेकिन राजू और उसके दोस्तों ने जादुई शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करके राक्षस को पराजित कर दिया। गांव वालों ने राजू को अपने हीरो माना और उसके दोस्तों को धन्यवाद दिया। राजू ने कहा, इस जादुई शक्ति का उपयोग सिर्फ अच्छे कारगर कार्यों के लिए करना चाहिए। कहानी का अंत। इस प्रकार राजू ने अपनी जादुई शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करके गांव को बचाया और सभी को सुख शांति में जीने का सीख दिया। इसके बाद गांव वालों ने मिलकर एक नया संबंध बनाया और सभी ने मिलकर खुशियों से भरा जीवन जीना शुरू किया। इसके साथ ही राजू ने अपने दोस्तों को साथ लेकर गांव को और भी सुंदर और खुशहाल बना दिया। धीरे धीरे कहकर सुनने वालों को बोलें, क्या तुम भी अपनी जादुई शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करके अपने जीवन को सजीव और सफल बना सकते हो?